जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच ही रहा था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों से ही पूछूं कि उनकी कौन सी सबसे ज्यादा बुरी आदत है, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ बुरी आदतें होंगी। इस दुनिया में सभी के अंदर बुरी आदतें होंगी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बुरी आदतों से परेशान ना हो, क्योंकि जिसके अंदर बुरी आदतें ही नहीं होंगी कोई भी, तो वो तो भगवान बन गया ना, समझो। तो इसलिए मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप लोगों को समझा सकता हूं इस टॉपिक के बारे में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो मैं आज इस वीडियो पे जो भी बातें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाऊंगा, और जो मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व किया है उन सारे चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में आज, खास करके उन लोगों के बारे में जो 14 से लेके 30 साल तक की एज के लौंडे हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन आदतें हैं उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और वो सारी आदतें और उन सारी आदतों के बारे में ही एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं इस वीडियो में आज। आपने चाहे जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन इससे ज्यादा काम की वीडियो आपको देखने को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट के बारे में। आजकल लोगों का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो है स्मार्टफोन। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि वो लोग हस्त मैथुन करते हैं और उल्टी सीधी वीडियोज देखते हैं, तो ये सारे जो चीजें देखी जा रही है ये लैपटॉप पे तो नहीं देखी जा रही, लैपटॉप की जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन सबसे ज्यादा इस टाइम में जो चीजें देखी जा रही है वो देखी जा रही है सेलफोन पे, स्मार्टफोन पे, वहीं पर ये चीजें देखी जा रही हैं। तो आजकल लोगों की जिंदगी में कुछ और बचा नहीं है, उन लोगों को लगता है कि जिंदगी बस इसी में ही रह गई है, और आजकल तो शॉर्ट जो वीडियोस चल गई हैं उनकी वजह से तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि मैं भी अपने बारे में बात करता हूं कि मैं भी अगर शॉर्ट वीडियो कभी ओपन कर लेता हूं तो 3-4 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद मुझे ख्याल आता है कि यार इतना टाइम खराब हो चुका है। देखो, जब इंसान टाइम वेस्ट करता है या कोई भी उल्टे सीधे काम करता है तो पता सबको होता है कि हां वो टाइम वेस्ट कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, अगर कोई जेल में भी बंद है तो उनको भी पता है कि उन्होंने भी गलत काम करके आए हैं, शायद ही वो किसी और के सामने बोले, तो पता सबको होता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि ये टाइम बीत गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन इस चीज में अमल में कोई नहीं लाएगा। देखो, वैसे तो वेस्ट एक बार टाइम हो गया तो वापस दोबारा नहीं आता, लेकिन ये जो टाइम बीत रहा है ना, इसके बारे में आपको बाद में एहसास होगा जब आपका टाइम गुजर चुका होगा, फिर आप इस टाइम के लिए रोएंगे कि काश मुझे वो टाइम वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो आप सभी को पता है। सेकंड जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है ओवरथिंकिंग और वरिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोचना। अब यहाँ पर भी आप लोगों को यह समझना होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज्यादा सोचना, प्रॉब्लम ये है कि फालतू की चीजों में ज्यादा सोचना, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो सोचने के बाद ही करते हैं। अगर आप ध्यान से अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे तो पहले आप अपने आप को कमांड देते हो, उसके बाद ही आप एक्शन लेते हो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप फालतू की चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में जरा सा भी कुछ हो जाता है उसे हम इतना टेंशन में सोच लेते हैं, इतनी ज्यादा सोच लेते हैं कि जिसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए सोचना क्यों और उसके लिए टेंशन लेनी, और ये आप लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। इस एज में हर किसी की प्रॉब्लम होती है, ये इस एज में हर कोई इस टाइम से गुजरता है, लेकिन जो संभल गया वो सुधर गया। मैं भी कई बार फालतू चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेता हूँ। और तीसरी बात के बारे में बात करूंगा मैं, मीनिंगलेस रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप मीनिंगफुल है, बहुत अच्छी बात है, सबका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए, टाइम पास के लिए रिलेशन बनाते हैं। हो सकता है तो बहुत जल्दी उस चीज को छोड़ दो, नहीं तो ये भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो उसको जितनी जल्दी छोड़ सकते हो इतनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि उसका प्रेजेंट में रहने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, क्योंकि इस चक्कर में अगर कोई पड़ता है ना फालतू में तो फिर वो तेरे नाम बन के ही निकलता है। इसलिए इन फालतू चीजों को छोड़ो और अच्छी चीजों में अपना दिमाग लगाओ। उस टाइम पे इंसान की थिंकिंग ऐसे हो जाती है कि अगर ये मेरी जिंदगी से निकल गया तो मैं मर जाऊंगा, इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन वो चला भी जाता है फिर भी इंसान क्यों नहीं मरता, सोचने की बात है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है, किसी को आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि अपने आप को भी भूल गए हैं, ये प्रॉब्लम। देखो, सच्चे प्यार की मैं इज्जत करता हूँ, इस दुनिया में हर कोई इज्जत करता है, लेकिन ये जो फालतू के चौंचले होते हैं ना इनको छोड़ दीजिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, पोर्न एडिक्शन। इस धरती पे सबसे खतरनाक जो इस टाइम चल रहा है ना वो पोर्न एडिक्शन का है। इससे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और मतलब ये समझ लीजिए कि लोग अपने टारगेट को भूल के सिर्फ इसी चीजों के चक्कर में लग चुके हैं। तो जो न्यूज है वो ये है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम, ट्विटर, इन तीनों को मिलाकर भी इतना ट्रैफिक नहीं है जितना कि पोर्न वीडियोस यानी पोर्न साइट्स पर होता है। आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोर्न देखी जाती है वो तीसरे नंबर पे इंडिया में देखी जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये
यहाँ के जो लोग हैं उनके पास कितना फालतू टाइम है। जो लोग पोर्न वीडियोस देखने का टाइम तो निकाल लेते हैं लेकिन कोई अच्छा काम करने का टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस कितने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। इस दुनिया में आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, अपाहिज है बेचारे लोग, बहुत सारे हैंडीकैप हैं। लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास सब चीज होने के बावजूद भी ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दिया है तो वो सही इस्तेमाल नहीं करते उन चीजों का, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझना सीखिए और बुरी आदतों को छोड़ना सीखिए, अच्छी आदतों को पकड़ना सीखिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बुरी अच्छी आदतों को पकड़ो, उसके भी आप गुलाम बन जाएंगे। आदतें कैसी भी हों, अच्छी हों बुरी हों, उनको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ आपसे कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान ना तो बुरी आदतों को पकड़ता है और ना बुरी आदतों को छोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की कोई आदतें ही नहीं होती। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं यूट्यूब टिप्स और डिजिटल मार्केटिंग इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब से रिलेटेड, मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द इसी चैनल पर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।